आज अभी 3 जुलाई को एसकेएम की बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय मीटिंग हुई गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, और उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए आगे आने वाले आंदोलन के बारे में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं 9 दिसंबर 2021 को जब मोदी सरकार को ये तीनों कृषि कानून रद्द करना पड़ा और किसान आंदोलन की एक बहुत भारी ऐतिहासिक जीत जब हुई, उसके बाद कुछ सवाल बाकी थे। अभी उन जो बाकी सवाल है उसके ऊपर ये दूसरा चरण किसान आंदोलन का शुरू करने का हमने फैसला लिया है। ये सवाल कौन से है? नंबर एक कि लागत खर्चे को 1.5 गुना दाम उसको मिलना चाहिए और उसको लीगल गारंटी देनी चाहिए, कानूनी गारंटी देनी चाहिए, इसका मतलब उसका कानून बनाना चाहिए। यह है पहली डिमांड। दूसरी डिमांड है ये बिजली बिल ये जो लाना चाहते थे उसको रद्द करे, ये किसानों की दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो फर्जी केसेस डाले थे, हज़ारों केसेस हमारे किसानों के ऊपर ये एक साल के आंदोलन के दौरान, तो केंद्र सरकार ने और सभी राज्य सरकारों ने ये मुकदमे वापस लेने चाहिए, ये है तीसरी मांग। और चौथी मांग हमारी ये है, लखीमपुर खीरी में 4 किसान और 1 पत्रकार को जो गाड़ियों के नीचे रौंद डाला था उसके लिए जो जिम्मेदार है वो अजय मिश्रा टेनी, जो गृह राज्य मंत्री है केंद्र में, उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये 4 हमारी मांगे, इसके लिए आज ये आंदोलन हमने ऐलान किया है। उनमें से पहले 3 मांगों के ऊपर 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जो हमें खत दिया संयुक्त किसान मोर्चा को, उनमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि ये 3 मांगे हम मान्य करते हैं और उनको हम अमल में लाएंगे, उनको लागू करेंगे। लेकिन 7-8 महीने में इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने तय किया कि 18 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरे देश भर में हर जिले में हमारे एसकेएम के जिला सम्मेलन होंगे। 18 जुलाई इसलिए कि पार्लियामेंट का सेशन उस दिन चालू हो रहा है दिल्ली में, और 30 जुलाई तक ये 12-13 दिन लगातार चलेगा। 31 जुलाई को सरदार उधम सिंह का जो शहादत दिन है, उस दिन पूरे देश भर में पूरे हाईवे और बाकी सब सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक ये बंद किए जाएंगे, चक्का जाम किया जाएगा। ये 31 जुलाई की एक्शन एसकेएम ने तय की है ये सभी सवालों को हल करने के लिए। इस बार का आंदोलन ये बहुत ही व्यापक होगा। दिसंबर में जब आंदोलन को सस्पेंड किया गया उसके बाद में ये सबसे बड़ा देशव्यापी आंदोलन होगा, ये ज़रूर हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी तरीके से शुरू हो गई। हमारी एसकेएम के स्टेटमेंट सब जगह गया है, अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी मीटिंग लेना शुरू किया और अलग अलग जिलों में हमने ये जो जिला कन्वेंशन का जो कॉल दिया है, क्योंकि 7-8 महीने में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, फिर से लोगों को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, किसानों को एक साथ लाने की ज़रूरत है, इसलिए 500 से ऊपर जिलों में ये सब कन्वेंशन बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। और 31 जुलाई को हमारा ख्याल है लाखों के तादाद में हमारे किसान ये ज़रूर रास्ते पर उतर आएंगे ये चक्का जाम करने के लिए, तो ये बात ज़रूर होगी। 31 जुलाई का आंदोलन ये बहुत बड़े पैमाने पर भारी तरीके से ये कामयाब होगा। उसके अलावा और 2 बातें, जैसे आपने कहा कि अग्निपथ का सवाल, इसके ऊपर एक्चुअली एसकेएम ने ऑलरेडी 24 जून को एक कॉल हमने दिया था, पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों भी, उन्होंने भी उसको समर्थन दिया था, तो हमारे मजदूर भाई और बहन उसके अंदर आए थे, किसान तो थे ही। तो इसके मुताबिक अभी हमने और एक तय किया कि यह अग्निपथ योजना ये राष्ट्र विरोधी है, सेना के भी विरोधी है, किसानों के विरोधी है और नौजवानों के भी विरोधी है, और इसमें सैनिक करके कौन जाते हैं ज़्यादातर, तो किसानों के बच्चे जाते हैं सैनिक बनने के लिए, ये तो पूरे हमारे भारत का पिछले कई सालों का इतिहास है। तो इसलिए ये अग्निपथ के खिलाफ में हमने ये तय किया 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, यानी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के पूर्व संध्या तक, एक जय जवान जय किसान ये बड़े सम्मेलन अलग अलग जिलों में लिए जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, और उनके अंदर
किसान तो भारी संख्या में आएंगे ही, लेकिन जो बेरोजगार नौजवान है उनको भी बुलाया जाएगा। एक सर्विसमैन है, यानी जो आर्मी से रिटायर हुए, नेवी एयरफोर्स से रिटायर हुए, और जो लोग भी आज बहुत खफा है ये अग्निपथ योजना के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है ये पूरे डिफेंस फोर्सेस को ख़त्म करने की ये योजना है, और उनकी बात सही भी है। तो उन सब को हम साथ में लेकर एसकेएम 7 से 14 अगस्त तक बड़े बड़े जिला सम्मेलन जय जवान जय किसान नाम से पूरे देश में हम करेंगे। उसके साथ में जो लखीमपुर खीरी का मामला है, अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्ती के लिए और उनके गिरफ्तारी के लिए, ये हमने 18, 19, 20 अगस्त लखीमपुर खीरी में एक 75 घंटे का ज़बरदस्त धरना ये हमने आयोजित करने का फैसला 3 जुलाई के एसकेएम के मीटिंग में हमने लिया। और 75 घंटे इसलिए कि 15 अगस्त को हमारे आज़ादी के 75 साल होते हैं, इसलिए 75 घंटे यानी 3 दिन के लिए लगातार ये हमारा धरना होगा। और उसके अंदर यूपी उत्तराखंड के अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश इन सब जगह से हज़ारों किसान उसके अंदर 3 दिन और 3 रात लगातार वो धरना रखेंगे। तीस्ता सेतलवाड़, आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और उसके साथ जुबैर मोहम्मद, इन सब को ये जो पूरी तानाशाही की आज व्यवस्था चल रही है मोदी सरकार की, जिसे चाहो उसको आज जेल में भेजो, ये जो तानाशाही का है उसका भी बहुत कड़ी निंदा हमने एसकेएम की तरफ से अभी की, हमारे स्टेटमेंट में भी है, और उसके खिलाफ भी एक जनमत एक जनजागृति पूरे देश में इन सब के सॉलिडारिटी में ये करने का भी हमने और एक फैसला महत्वपूर्ण हमने लिया। ये जो आंदोलन सस्पेंड कर दिया गया 9 दिसंबर को, वो तो अर्थात बहुत बड़ी जीत हुई। मैंने पहले ही बोला 3 कृषि कानून इनको रद्द करने पड़े भाजपा सरकार को, लेकिन उसके बाद आए चुनाव, विधानसभा के चुनाव आए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और उसमें सभी लोग जुट गए। एसकेएम के अंदर उसके वजह से एक प्रॉब्लम आ गया, वो ऐसा कि कुछ किसान संगठनों ने पंजाब के ये तय किया कि अभी हम एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा संयुक्त समाज मोर्चा, और पहले 22 संगठन उसके अंदर शरीक हुए थे। हमने उनको बोला था कि भाई किसान संगठन ये कोई चुनाव लड़ते नहीं है, उनका काम है हमारे किसानों के लिए लड़ना। राजनीतिक पार्टियां जरूर लड़ती है, हम अराजनैतिक नहीं है, क्योंकि आखिर में हर आंदोलन राजनीतिक होता ही है, उसमें कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार के साथ लड़ना होता है तो उसमें राजनीति आती है। लेकिन हमने एक संकेत जो रखा था एक साल में कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को एसकेएम के स्टेज पर नहीं बुलाएंगे, ये इसलिए हमने निर्णय लिया था क्योंकि भाजपा पूरे देश में ये कह रहा था कि भाई ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये तो विपक्ष आंदोलन चला रहे, जो बिल्कुल गलत बात थी। ये एक्चुअली किसानों का आंदोलन था और उसको गलत फहमी उसको हम उसके बारे में फैलाना हम नहीं चाहते, तो हमने वो निर्णय लिया। हमने इन किसान संगठनों का बहुत बोलने की कोशिश किया कि आप इस प्रकार से मत करिए, किसान संगठन ही खुद अगर राजनीतिक पार्टी बन के उसका अच्छा नतीजा नहीं होगा और वो अच्छा नतीजा नहीं हुआ, ये पंजाब के विधानसभा चुनाव में हमने देखा वो बात। लेकिन खैर वो जो हुआ वो हुआ, इसकी वजह से 3-4 महीने चले गए, लेकिन अच्छी बात ये हुई उसके बाद कि उनमें से 22 में से 16 किसान संगठन जो प्रमुख संगठन है, जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान ये एक साल के आंदोलन में किया है, उन्होंने अभी तय किया अपने खुद के ऊपर कि हम अभी संयुक्त समाज मोर्चा का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने एसएसएम के साथ अपना नाता तोड़ा, अपना रिश्ता तोड़ा, पब्लिकली उन्होंने तोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने और बोला हमारा अभी इनके साथ में कोई संबंध नहीं होगा। और उन्होंने एसकेएम को लिखा कि भाई हम फिर से एसकेएम में आना चाहते हैं। अभी जो 3 जुलाई में मीटिंग हुई, ये मामला एजेंडा में हमने लिया और सर्वसम्मति से ये पंजाब के 16 महत्वपूर्ण किसान संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा में फिर से लिया गया। ये एक बहुत अच्छा कदम था एकता फिर से बांधने के लिए।
अगस्त के अंत में एसकेएम की राष्ट्रीय बैठक फिर से होगी। हमें पूरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छे तरीके से किसान इसको प्रतिसाद देंगे, उसमें कोई सवाल नहीं है, उसके लिए हमारी तैयारी भी जारी है। लेकिन आगे का रास्ता हमारा क्या होगा ये हम लोग सब मिलकर तय करेंगे, क्योंकि एमएसपी वाला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल के लिए अगर ये नहीं मिला तो आज किसानों की आत्महत्या, जो ऑलरेडी पिछले 25 साल में कर्जे की वजह से आज 4 लाख के ऊपर गई है, उनमें से 1 लाख आत्महत्याएं ये सिर्फ मोदी सरकार के 8 साल के अंदर हुई है, और इससे जो कृषि संकट बढ़ा है इसको अगर दूर करना है, उसको अगर कम करना है, तो ये एमएसपी वाला मांग ये बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण मांग के हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। और इसके अंदर हम देखते हैं कि आज एमएसपी का लाभ अधिकतर किसानों को मिलता ही नहीं है। जो मिलता है जहां गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है वहां मिलता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन उनको भी स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने जो कहा कि लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए, ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को भी नहीं मिलता, उनको उससे कई कम मिलता है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए ये कानूनी उसको संरक्षण मिले, इसके लिए ये एमएसपी वाला सवाल पूरे देश में लड़ाया जाएगा। बाकी जगह में तो कुछ भी मिलता नहीं है क्योंकि सरकारी प्रोक्योरमेंट होती ही नहीं है दूसरे राज्यों में, तो इसलिए यह आंदोलन पूरे देशव्यापी आंदोलन सही माने में होगा। उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से आज हम कर रहे हैं, और अगस्त के अंत में इस आंदोलन का ब्यौरा लेके फिर आगे के कदम ये ज़रूर रखे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन अभी बीच में रुकेगा नहीं, ये अंत तक चलाया जाएगा, और उसका जो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल होगा वो अलग अलग किस्म पे हम लोग तय करेंगे, लेकिन सरकार को झुका कर ही ये आंदोलन ख़त्म होगा एमएसपी के सवाल पर।